मैं हबीब अली, मैंने मेरी ये बुक है नील ऑन व्हील, इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन किए हैं। इस बुक को प्रकाशित किया है डकबिल ने, और इसके लेखिका हैं लावण्या कार्तिक, जो एक इलस्ट्रेटर भी हैं, और ये बच्चों की 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। हम लोग रियाज एकेडमी से थे। हम लोगों ने 1 साल रियाज में इलस्ट्रेशन का काम सीखा, जिसमें बच्चों से बात करना, बच्चों के आइडियाज़ को समझना और कहानियों पे बात करना, उस पे इलस्ट्रेशन किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम लोग वर्क सीखते थे वहाँ इलस्ट्रेशन में के। तो हम लोगों ने 2017 में एक वो बुक फेयर में एग्जीबिशन था इलस्ट्रेशन का, तो उसमें डकबिल के वो जो आर्ट एडिटर हैं वो शावनी मैम और अनुष्का रविशंकर, वो लोग आए हुए थे विजिट करने। तो वहाँ पे उन लोगों ने हमारा इलस्ट्रेशन का वर्क देखा तो उनको काफ़ी पसंद आया, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग देखेंगे, आपका काम काफ़ी अच्छा है। तो फिर इस तरह से फिर कुछ मंथ बाद हम लोगों का मेल आया कि हम लोग एक सैम्पल भेज रहे हैं, छोटा सा स्टोरी, उस पर आप वर्क करके बताइए। तो हम लोगों ने बनाया, उनको पसंद आया, तो फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। शुरुआती दौर में तो मैंने जो रफ स्केच भेजे थे उसमें तो उन लोगों ने वर्क फाइनल कर दिया था, कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि उन्होंने नोट्स भी बना के भेज दिए थे कि ये स्टोरीज है और आपको किस तरह से किस आइडियाज़ पे काम करने होंगे। तो मुझे उस आइडियाज़ में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उनके आइडियाज़ के साथ मुझे अपने आइडियाज़ को मिलाकर काम करना था। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा कठिनाई हुआ, क्योंकि उन्होंने लेआउट्स फाइनल कर दिए थे, तो मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था फाइनल शीट पर। तो फिर जब स्टार्टिंग 6 या 7 स्प्रिट फाइनल हुए उसके 14 पेज लगभग, तो उन लोगों को थोड़ा लगा कि काम और उस पे चित्रों में और ज़्यादा काम हो सकता है इन चित्रों से बेहतर। तो उस कारण मुझे थोड़ा कठिनाई हुई सभी किताबों के लिए, कि अब इसके बाद किस तरह के आइडियाज़ पे काम करना होगा किताब को सुंदर बनाने के लिए। पहले तो मेरा फेवरेट इलस्ट्रेशन तो मेरा ये पहला कवर ही है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अच्छी स्टोरी भी है। क्योंकि जब मैं ये कंप्लीट कर रहा था फाइनल कवर, तो पहले मैंने कवर के लिए अलग से लेआउट्स बनाए, तो मैम को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा कि अंदर के चित्रों के मायने से कवर थोड़ा पावरफुल नहीं कम लग रहा था, क्योंकि थोड़ा फीका फीका हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला कि बाद में कि हम लोग कवर नहीं बना रहे हैं, हम लोग किताब के अंदर से ही एक चित्र को कवर के लिए यूज़ करेंगे। तो फिर जब मुझे पता चला कि कवर का जो मेन पेज जो मुझे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, तो वो ये वाला है, तो बाद में इसको कवर में यूज़ किया गया है। इसके अलावा एक चित्र और भी है जो गार्डन वाला है, वो ये है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे पसंदीदा चित्रों में से है। ये बुक बेसिकली बच्चों पर आधारित है, तो ये एक तक फैंटेसी बुक, काल्पनिकता के साथ एक रियलिटी के साथ बुक को बनाया गया है, जिसमें एक विकलांग बच्चा है और उसका भाई है छोटा। तो वो किस तरह की परेशानियों से सामना करते हैं और उनसे कैसे बाहर आते हैं, जो सामाजिक तौर पर भी हैं और एक काल्पनिक रूप से अपने तरफ से बनावटी परेशानियों से जूझते हुए अपने कैसे बचाव करके अपने आप को वहाँ से निकालते हैं। तो उस तरह की कहाँ है वो चित्रों में उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, वो ज़्यादा उत्साहित हुए। तो पहले की जैसे उसमें ये है, एक पहला पेज है जिसमें वो जिनके इसमें है कि जिसमें घर में लाइट नहीं है और यहाँ पे मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसका छोटा भाई डर रहा है कि सामने मॉन्स्टर है और हम लोग कैसे बचेंगे इससे। तो फिर उसका भाई बोलता है डोंट वरी, मेरे पास तो व्हील है। तो जब उसका व्हील ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़ा सा टॉर्च में, तो जब वो लाइट करके उधर शेडो की और दिखाता है परछाइयों की ओर, तो पता चलता है कि ये तो हमारे खुद के खिलौने ही हैं जो मॉन्स्टर बने हुए थे। तो इसी तरह से जो काल्पनिक रूप में हैं और फिर बाद में वास्तविकता की ओर जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में बच्चों को बहुत पसंद आया। ये साथ
चल बाल साहित्य में चित्र बनाना और इलस्ट्रेशन करना बाल साहित्य के लिए थोड़ा सा हम नए इलस्ट्रेटर के लिए कठिन साबित होता है, क्योंकि इसमें बाल बच्चों के अपने आइडियाज़ और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और एक दूसरी बात कि पब्लिशरों को भी जो उनकी मांग होती है उनको ज़्यादा ज़रूरी उनकी मांग को देखना पड़ता है कि वो किस तरह से आपके काम को सराहते हैं और देखते हैं। और इसके बाद कि आपको ये भी नहीं करना है कि उनकी मांग को ही मान लेना है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके काम के लिए। तो आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद उनके मांग को साथ में लेकर अपने काम को उनके पब्लिश जो भी आप काम कर रहे हैं उनके लिए तो साथ में उनके करना चाहिए, नहीं तो फिर काम खराब होने की ज़्यादा डर है।